क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। ऑस्ट्रेलिया भारत के हाथों 31 रनों से हार चुका है और हार के बाद कंगारुओं का पारा इतना हाई है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। स्लेजिंग, बॉल टैंपरिंग और छींटाकशी के लिए मशहूर कंगारू टीम खुद को तो पाक साफ बता रही है, लेकिन भारतीय टीम के रवैये पर सवाल उठा रही है। दरअसल मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। एक सवाल के जवाब में टिम पेन ने कहा, उनके खिलाड़ी भारत के खिलाफ स्लेजिंग नहीं कर रहे थे और न ही आगे करेंगे, जबकि भारतीय खिलाड़ी लगातार दुर्व्यवहार कर रहे थे। पेन ने कहा, विकेट के पीछे ऋषभ पंत की स्लेजिंग तो हद से ज्यादा थी, खासकर पैट कमिंग्स को भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत की ओर से काफी गलत टिप्पणियां सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। वहीं कोहली का आक्रामक जश्न तो बहुत कुछ बयां कर रहा था। मैच के बाद कप्तान पेन ने कहा, हम अच्छी भावना से खेले थे, मुझे भारतीयों के बारे में पता नहीं, हमने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे सीरीज में भी हम ऐसा ही करेंगे। टिम पेन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंत और कोहली को अपने बर्ताव में ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। अब पिन शायद नॉर्थन लियोन और पैट कमिंग्स के बर्ताव को शायद भूल गए हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर किसी की तरफ एक उंगली उठाई जाए तो तीन उंगलियां खुद की तरफ उठती है। अब पिन के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।